नमस्कार। विनिंग इन द गेम ऑफ लाइफ इज मैटर ऑफ व्हाट यू गिव एंड व्हाट यू टेक, गिविंग क्रेडिट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो कभी भी ये आपको नहीं सोचना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द ओनली वन, आई एम द बॉस। शो सम ग्रेटिट्यूड टू योर टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के छोटे छोटे कामों को ना एक्नॉलेज कीजिए। डोंट ब्लेम पीपल। जब कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टेड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर देन ब्लेमिंग पीपल। इससे कंपनी, आप और आपकी टीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। और इसी विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे, एक एक्सीडेंट, US एयरवेज की फ्लाइट 1549 के एक एक्सीडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। बात 2009 की है। US एयरवेज की फ्लाइट 1549 टेक ऑफ के लिए रेडी है। ला गॉर्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से शार्लोट के लिए ये फ्लाइट निकल रही थी। प्लेन में 155 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग 5 क्रू मेंबर्स। को पायलट्स ने अपनी कमांड संभाल ली। पायलट ने वो एरोप्लेन ले लिया और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। अगले 2 मिनट में ये फ्लाइट जैसे ही 2800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, प्लेन में एक जोरदार धमाका हो जाता है। इंजिन्स धुआं और फ्लेम्स से पूरा भर जाता है। इंजन में से फ्लेम्स निकलने लगते हैं, प्लेन शेक करने लगता है। एक जोरदार धमाका जैसे ही सुनाई देता है, लोग इधर उधर देखने लगते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं। हुआ बेसिकली ये होता है, कुछ बर्ड्स फ्लाई करते करते इस प्लेन के इंजन में चले जाते हैं और इंजन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। और वी ऑल नो प्लेन्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट प्लेन का अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दोनों इंजन्स अगर फेल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, बिग प्रॉब्लम। और ठीक इसके साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फ्लाइट 1549 में अब ना कोई पावर बचती है, ना कोई वर्किंग इंजन। और फिर क्या है, ये प्लेन ग्रेविटी की तरफ गिरने लगता है, प्लेन नीचे आने लगता है। को पायलट, क्रू मेंबर्स, पैसेंजर सारे पैनिक मोड में चले जाते हैं। और तभी कैप्टन इस प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तुरंत वो अपना कमांड ले लेता है। उधर को पायलट घबराहट में मैनुअल्स चेक करने लगता है, दोनों इंजन फेल होने पर एग्जैक्टली क्या करना है, सारे मैनुअल्स चेक करने लगता है। और फिर कैप्टन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं टू टेल कि फ्लाइट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ATC ला गॉर्डिया से रिवर्ट आता है, कम बैक राइट नाउ, वी विल क्लियर ऑल द रनवेज फॉर यू। लेकिन कैप्टन को ये बात समझने में देर नहीं लगती है कि अब ये प्लेन में कोई पावर नहीं बची है उसको एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए। नीचे देखने पर बहुत डेंजर सा सीन दिखाई देता है, मैनहट्टन की ट्रैफिक दिखाई देती है और हडसन रिवर के वो बोट्स, वो टूरिस्ट, और लगता है अब ये प्लेन सिविलियंस पर क्रैश करने ही वाला है। और ऐसा होने पर वर्स्ट सिनारो क्रिएट हो सकता था। लेकिन कैप्टन एक्सपीरियंस थे, ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनको था प्लेन उड़ाने का। तो फिर प्लेन को न्यूजर्सी लैंड करने पर उन्होंने विचार किया। लेकिन धीरे धीरे ये प्लेन इतना ज़बरदस्ती से डिसेंड हो रहा था कि अब वहाँ पर भी लैंड करना मुश्किल लग रहा था। और फिर ऐसे में कैप्टन सर्लनबर्गर एक ब्रेव डिसीजन लेते हैं, फ्लाइट को पानी में लैंड करने का। यस, हडसन रिवर में लैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसे आज मिराकल ऑन हडसन रिवर भी कहा जाता है। कैप्टन सली इसको सेफली लैंड कर भी देते हैं और सारे 155 पैसेंजर्स को सही सलामत उतार कर बाहर ले आते हैं। बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है कॉरपोरेट्स में, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मंचों पर, कि ऐसा क्या है जो कैप्टन सली जैसे लीडर्स को एक बोल्ड डिसीजन देने की ताकत देता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। मुझे लगता है एक क्वालिटी, एक कॉम्पिटेंसी होती है लर्निंग एजिलिटी नाम की, मतलब नोइंग वॉट टू डू When you don't know what to do, yes, एक कला, एक क्वालिटी जो ऐसे समय पर एक लीडर को सारे पुराने एक्सपीरियंस और लर्निंग को राइट समय पर कैसे यूज करना है उसकी ताकत उसको देती है टू सॉल्व न्यू नेवर सीन प्रॉब्लम्स। और इस लीडर से, यानी कैप्टन सली से, हम आज 2 लीडरशिप लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, टेकिंग दैट ओनरशिप इन फायर फाइटिंग सिचुएशंस। यस, रिमेंबर जब प्लेन टेक ऑफ किया, हु वॉज इन द कमांड, द को पायलट, राइट? और जब प्लेन क्रैश कर रहा था तब द कैप्टन। जैसे ही वो बर्ड्स प्लेन्स को हिट करते हैं, कैप्टन सली बोलते हैं माय एरोप्लेन, हाईलाइट कर रहा हूँ माय एरोप्लेन, एंड द को पायलट सेज योर एरोप्लेन। 2 सिंपल वर्ड्स लेकिन मोस्ट पावरफुल है लीडरशिप में। जब भी ऐसे फायर फाइटिंग सिचुएशंस आते हैं ना, लीडर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक ओनरशिप। जो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, दे डोंट कंप्लेन, दे से
माय एरोप्लेन। मेरा सवाल आपसे है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशंस पर आप क्या करते हैं? अपने ऑफिस में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्राइसिस होती है, जब भी कोई ट्रबल वाली सिचुएशंस होती है, कोई कस्टमर कंप्लेन होती है, आप क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम्स, वो सारे प्रॉब्लम्स से दूर भागकर वो अपने टीम मेंबर्स पर ढकेल देते हैं। डू यू स्टार्ट ब्लेमिंग? जैसे उस समय पर वो बर्ड्स को ब्लेम करना, एनवायरमेंट को ब्लेम करना, एयर ट्रैफिक को ब्लेम करना, आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एज अ लीडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक चार्ज इन द क्राइसिस। गुड लीडर्स आर क्विक टू टेक कंट्रोल। वो माय एरोप्लेन वाला एटीट्यूड अगर आप में आ गया ना, तो आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, मेरा विश्वास है। और दूसरा लेसन आज हम इस इंसिडेंट से ले सकते हैं, जैसे वो प्लेन लैंड हुआ पानी में, सारे लोग घाई कर रहे थे बाहर निकलने के लिए, बट यू नो द मैन हु केम लास्ट वॉज कैप्टन सली। कैप्टन सली सबसे बाहर निकलते हैं, सबसे लास्ट में, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सारे रिपोर्टर्स, सारे टीवी चैनल्स घाई कर रहे होते हैं उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए कि कैसे उन्होंने ये सब किया। एंड व्हेन ही कम आउट, एक रिपोर्टर उन्हें पूछ लेते हैं, यू आर माय हीरो, यू आर माय कैप्टन। बट कैप्टन सली इसका पूरा क्रेडिट ना अपने को पायलट यानी जेफ को देते हैं और सारे क्र्यू मेंबर्स यानी डोना, शीना, डोरेन को दे देते हैं, और ये अनाउंस करते हैं कि ये सब कुछ ना मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये टीम एफर्ट से, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। अब देखिए, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमको क्रेडिट चाहिए होता है, हम किसी को क्रेडिट नहीं दे पाते, हमको लगता है कि क्रेडिट अगर किसी को दे दिया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये काम मैंने किया है। लेकिन रिमेंबर, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। यस, दो क्वालिटीज आपको इंबाइब करनी है अपने अंदर में, और कैप्टन सली जैसे लीडर बनने के लिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव क्रेडिट्स। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे ही वीडियोज अगर आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।